ग्वालियर के जनकगंज इलाके में उस समय दहशत फैल गई जब बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक युवक को जान से मारने की नियत के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। युवक ने जैसे जैसे अपनी जान बचाई और मामले की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने के पहले ही आरोपी हथियार लहराते हुए फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस को पता चला कि जिम ट्रेनर पीयूष कुमार का रविंद्र साहू से रुपयों को लेकर विवाद चल रहा था। जानकारी के अनुसार विवाद के चलते ही पीयूष पर हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। सुबह जिम से आ रहा था, मैं एक का किसी से मेरा लेन देन है, रविंद्र साहू से मेरा लेन देन है, तो रविंद्र साहू के संग में बिटुआ शर्मा था, तो वो मुझसे बोलता है कि इससे पैसे अब तुम्हारे नहीं मिलेंगे। तो इनमें राज चौहान ने मुझे फोन लगा के पद्मा स्कूल पे बुला लिया, हम चले गए और इनने हमारे संग धक्का डुक्की करी, मारपीट करी। हम यहाँ आ गए तो हमें 20 मिनट बाद इनने फोन लगाया तो मुझसे कहता है कहाँ खड़ा है तू। मैंने कि तुझे क्या करना है, मैं तो अपने घर आ गया। तो कहता तू जहाँ खड़ा है मुझे सब पता है, तेरी लोकेशन सब कुछ है मेरे पे। तो मैंने लोकेशन है तो आ जाओ तुम, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो यहाँ खड़े थे ये आए तीन लोग थे, पहले पीछे गाड़ी पे बैठा था राज चौहान, इनने गोली चलाई है, दो लोगों ने और गोली चलाई है, ये तीन लोग थे। ये अभी कमानी पुल के पास में हमें थाने पर सूचना मिल गई, कमानी पुल के पास में किसी ने गोली चला दी है, तो हम अभी मौके पर आए हैं, उसकी तस्दीक कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। जैसे भी आगे तथ्य राउंड भी मिला है, एक खाली खोखा जरूर हमें मौके से मिला है, पड़ा हुआ मिला है रोड पे।